किसान आंदोलन और इसके समर्थन में अखिलेश यादव की पदयात्रा की घोषणा को देखते हुए गाजीपुर में भी प्रशासन अलर्ट मोड पर रहा। सपाई पदयात्रा न निकाल सके इसके लिए सुबह ही जंगीपुर विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव, सपा जिलाध्यक्ष सहित पार्टी के तमाम प्रमुख नेताओं के दरवाजे पर पुलिस धमक पड़ी और उन्हें हाउस अरेस्ट करते हुए घर में ही कैद कर दिया। पूरे जिले में पुलिस फोर्स चक्रमण करती रही। प्राइवेट बस का संचालन भी प्रशासन ने बंद करा दिया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किसानों के समर्थन में 7 दिसंबर को कन्नौज से पदयात्रा निकालने का ऐलान किया था। इस ऐलान के तहत जिले के भी नेता कार्यकर्ता पदयात्रा निकालने की तैयारी में थे। प्रशासन भी पूरी तैयारी में था कि सपा नेता पदयात्रा न निकाल सके। इसी तैयारी के तहत पुलिस सुबह ही सदर SDM अनिरुद्ध प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी ओजस्वी चावला, सदर कोतवाल विमल मिश्रा, पुलिस फोर्स के साथ जैतपुरा में स्थित जंगीपुर विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव के दरवाजे पर धमक पड़ी और उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया। सपा जिलाध्यक्ष रामधारी यादव, पूर्व सांसद राधेमोहन सिंह, युवा सपा नेता अभिनव सिंह, पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सिंह के प्रतिनिधि मन्नू सिंह, पूर्व मंत्री के पुत्र राहुल राज सिंह, जंगीपुर विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र यादव सहित अन्य कई नेताओं को पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया। जिला पंचायत सदस्य सत्या यादव के आवास पर सुबह 5 बजे ही पुलिस पहुंच गई। सत्या द्वारा इसकी जानकारी देने पर कई कार्यकर्ता आवास पर पहुंच गए। सत्या ने पदयात्रा निकालना चाहा तो पुलिस उन्हें हिरासत में लेकर सैदपुर कोतवाली ले गई। नगर के शास्त्री नगर स्थित आवास पर पूर्व सांसद राधेमोहन के साथ पूर्व जिलाध्यक्ष सुदर्शन यादव, ललन सिंह, चंद्रिका यादव, अखिलेश सिंह मौजूद रहे। पूर्व सांसद ने कहा कि भाजपा सरकार पूरी तरह से तानाशाही हो गई है, हर आंदोलन को लाठी के बल पर दबाना चाहती है।